फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इडली बनाएंगे जिसमें कि हम लोग बेकिंग सोडा और खाना सोडा का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। किस तरह हम लोग इसे बनाते हैं ये देखने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं किचन में और देखते हैं इडली हम किस तरीके से बनाएंगे। तो इडली बनाने के लिए हम लोग पहले इडली का पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 कप चावल लिए हैं और 1 कप उड़द की दाल ली है। ये चावल और उड़द की दाल है, इसको मैंने ओवरनाइट पानी में भिगो के रख दिया था। तो मैंने इसको अप्रॉक्स 10 से 12 घंटे के लिए भिगो के रखा था और अब मैंने इसे पानी से निकाल लिया है। हम लोगों को अब इसे सिंपली ब्लेंड करना है। हम लोग इसे थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे। जब हम डोसा बनाते हैं तो उसका पेस्ट हम बहुत सॉफ्ट पीसते हैं, ब्लेंड करते हैं, उसमें बिल्कुल दरदरापन नहीं होता, लेकिन इडली के पेस्ट में हम इसे थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे। तो आइए पहले इन्हें पीस लेते हैं। तो मैंने चावल और दाल को पीस लिया है। आप लोग चाहें तो आप लोग चावल और दाल को अलग अलग पीस भी सकते हैं और एक साथ अगर आप लोग पीसना चाहें तो एक साथ भी पीस सकते हैं। बाकी बाद में तो हमें इसे मिक्स करना ही है। तो मैंने इनको एक साथ मिक्स करके पीस लिया है और इसमें मैंने लगभग 1/2 कप पानी डाल के इसे ब्लेंड किया है और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो मैं इसे एक बाउल में डाल लेती हूँ। हम लोगों को इस पेस्ट को भी 4 से 5 घंटे के लिए रखना है। हम लोग इसमें कोई भी बेकिंग सोडा या खाना सोडा इसमें नहीं डालेंगे। तो मैंने पेस्ट को बाउल में डाल दिया है। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे और उसके बाद इस पेस्ट को 4 से 5 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। तो अब इसे मैं ढक के रख देती हूँ। तो इस पेस्ट को रखे हुए हमें 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अच्छे से फूल भी चुका है। मैंने इसमें कोई भी इनो वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, बस इसको थोड़ी देर के लिए मैंने फूलने के लिए मैंने रखा था और ये फूल चुका है। तो आइए अब इसकी इडली बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इडली का मोल्ड ले लिया है और उसको मैंने गैस पे रख दिया है। अब हम इसके अंदर 1 ग्लास पानी डाल देंगे और इसको स्टीम होने के लिए रख देंगे। तब तक ये स्टीम होता है तब तक हम अपने मोल्ड में इडली का पेस्ट डाल के तैयार कर लेते हैं। तो मैं अब इन मोल्ड को ऑयल से थोड़ा थोड़ा ग्रीस कर लेती हूँ। तो मैंने ब्रश पे ऑयल लगा लिया है। अब मैं इस पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के इसे ग्रीस कर लेती हूँ। इससे क्या होगा, हमारी जो इडली है वो इस पे चिपकेंगी नहीं और अच्छे से उतर भी जाएंगी इनसे। तो ऑयल से मैंने इन सबको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब जो हमारा पेस्ट है उसको हम स्पून की मदद से इसमें डाल देंगे। ज्यादा ज्यादा हम इसे नहीं भरेंगे क्योंकि ये अभी फूलेगा भी। तो सेम इसी तरीके से मैं सारे मोल्ड में पेस्ट को डाल लेती हूँ। तो पानी को मैंने पहले ही बॉईल होने के लिए रख दिया था और पानी हमारा अच्छे से बॉईल होने लग गया है, उसमें से स्टीम आने लग गई है। तो अब हम मोल्ड को वापस कुकर में डाल देते हैं। तो अब हम इडली को अच्छे से स्टीम होने देते हैं, पकने देते हैं। तो जब हम अभी हम इडली फर्स्ट टाइम बना रहे हैं इस कुकर में, तो फर्स्ट टाइम जब हम इडली बनाएंगे तो हमें इसको 10 मिनट के लिए स्टीम होने देना है और जब हम सेकेंड टाइम इडली बनाएंगे तो हम उसको 7 से 8 मिनट तक स्टीम होने के लिए रख देंगे। तो अभी इसे स्टीम होने देते हैं और इडली को पकने देते हैं। तो इडली को स्टीम होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी इडली अच्छे से पकी है कि नहीं। तो मैं इसमें चाकू की मदद से इसे देखूंगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं चाकू हमारा बिल्कुल क्लीन निकल के आया बाहर, इसका मतलब है कि इडली पक चुकी है। तो जो मोल्ड है उसको हम निकाल लेते हैं। तो मैं इस मोल्ड को खोल लेती हूँ। इडली तो हमारी तैयार है लेकिन अभी इसे
थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं, उसके बाद हम ये इडलियां निकाल लेंगे। तो इडली रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है, अब इनको मोल्ड से निकाल लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत इजीली इससे अलग हो रही हैं, बहुत आसानी से निकल रही हैं। इसी तरीके से हम सारी इडलियां निकाल लेंगे। तो हमारी इडलियां बिल्कुल तैयार हैं, अब हम इन्हें सांभर और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए सांभर और चटनी की रेसिपी भी जरूर लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।